नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। आज हम आपको लोकतंत्र के दौर का अयोध्या कांड सुनाने जा रहे हैं। राम की नगरी ने राम के विक्रेताओं की राजनीति का राम नाम सत्य कर दिया। राम का हाथ पकड़कर मंदिर का रास्ता दिखाने वाले अवतारी पुरुष के पांव जहां जहां पड़े वही वही बंटाधार होता चला गया। देखिए कि भाजपा न सिर्फ अयोध्या हारी बल्कि अयोध्या मंडल की सभी सीटों से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। पूरे इलाके की जनता ने एक सुर में कह दिया कि हमारा पीछा छोड़ने के लिए थैंक यू मोदी जी। इसका मतलब फिलहाल तो यही निकलता है कि राम की राजनीति से देश को मुक्ति मिलती नजर आ रही है और इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक देखने को मिलेगा। अगर अगले चुनाव तक मोदी, योगी और उनके चेले चप्पू राम को बेचने से बाज नहीं आए तो मतदाता उनकी राजनीति को नीलाम कर देंगे। तो लगातार आपको बताते चलें, यहां से राम नाम का लगातार बता दें, राम के जो भक्त हैं अवतारी पुरुष मोदी का सफाया हो गया। अयोध्या ने राम के विक्रेताओं को सबक सिखाते हुए 72 कैमरों के लेंस और फ्लड लाइन की रोशनी में ध्यान साधना का ढोंग करने वालों को संदेश दिया कि नौटंकी की भी इम्तिहा होती है। देखिए टीवी ने क्या माहौल बनाया था। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो टीवी चैनल के मालिक और संपादक बैरिकेड पर चढ़कर छिछोरियों की तरह हो रहे थे और उनके एंकर माथे में भभूल लपेटने का नाटक करके लाइव टीवी पर नकली भक्ति का भोड़ा नाच कर रहे थे। उसी दिन से माहौल बनने लगा कि अयोध्या का ये मास्टर स्ट्रोक चुनावी राजनीति, आपको बताते चले चुनावी राजनीति का इतिहास बदल देगा। मोदी तो बैठे बैठे वैतरणी पार उतर जाएंगे। कोई नहीं बोल रहा था कि नाले में फंस जाएंगे क्योंकि भाजपा के दलाल भाजपा के त्रिपाल से बाहर निकाल कर झांकने तक को राजी नहीं हुए कि दुनिया दिखती कैसी है, दुनिया के लोग सोचते कैसे हैं। उन दलाल मालिकों और संपादकों ने एंकर ने मोदी के चरणों को ही पूरी दुनिया मान लिया और उसी के गणेश परिक्रमा करके लौट आए। चारों तरफ मोदी मोदी एक तरफा जीत हो रही है और जब चारण भाट दिन रात एक आ रहे थे तो मोदी को इस पर भरोसा कैसे न होता। लगातार मोदी को इस बात पर भरोसा हो गया। बस इसका असर यह हुआ कि अयोध्यावासी मोदी की लगातार ऐसी नौटंकियों से छटपटा रहे थे और टीवी बता रहा था कि देखो सब कैसे मगन है मोदी की लीला देखकर। नतीजा राम मंदिर के नाम पर पूरे देश को आग में झोंक देने की राजनीति करने वाली भाजपा अयोध्या जैसी बुरी तरीके से खदेड़। पहले राउंड से ही भाजपा के लल्लू सिंह पिछड़ने शुरू हुए तो फिर चढ़ नहीं पाए। फिर भी किसी को भरोसा नहीं हुआ। लल्लू सिंह हार कैसे गए, मंदिर बनाया भाई ये कैसे हो गया। हालत ये थी कि लल्लू सिंह के लिए गली गली वोट मांगने वालों ने भी देशवासियों को वोट देकर भाजपा को लोकतंत्र का प्रसाद चखा दिया। शाम होते होते लल्लू सिंह 55,000 वोटों से हार चुके थे। सोचिए क्या कमाल की चीज होती है लोकतंत्र। जिन राम को बेचने के लिए आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करके माहौल बनाने की कोशिश की, उसी अयोध्या के बाजार में भाजपा की चादर नीलाम हो गई। सोचिए जिस राम मंदिर आंदोलन की वजह से भाजपा ने पूरे देश में जड़ें जमाई, जिस राम नगरी अयोध्या को भाजपा ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा, जिस अयोध्या की वजह से भाजपा न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि 3 बार केंद्र की सत्ता के पास तक न पहुंची, उसी अयोध्या ने मोदी के माथे पर लिख दिया कि आपकी नफरत की राजनीति हम सियाराम के संपत्तियों को मंजूर नहीं है। अब जाइए यहां से और राम की लीला देखिए। भाजपा सिर्फ अयोध्या ऐसी साफ नहीं हुई बल्कि फैजाबाद मंडल की सभी सीटों से पार्टी का सफाया हो गया। जी हाँ, यही नाम था इलाके का, जिले का। फैजाबाद और अयोध्या उसकी एक खूबसूरत बस्ती हुआ करती थी। बौद्ध हिंदू मुसलमान साथ में रहते थे लेकिन राम को बेचने के लिए फेस को मिटाने के निकटू राजनीतिकों के आराधकों को भी वक्त ने कहा कि छोटा पाइप से राम जी के माथे पर रोशनी पहुंचाने की वैज्ञानिकता को चमत्कार साबित करने वालों को केवल 4 महीने में आवाम ने उनके चरित्र की ऐसी सजा दी कि भरी दोपहरी में भाजपा का दम्भ गोधूलियों में भिनभिना उठा रहा है। फैजाबाद यानी अयोध्या हार गए, बगल में 12 बंकी हार गए, बस्ती अमेठी हार गए, सुल्तानपुर हार गए, सीतापुर हार गए और तो राम मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट के मुखिया नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा श्रावस्ती ऐसी बुरी तरह हारे कि अयोध्या की तरह चारों तरफ मोदी की नकली राम भक्ति को सिखाए गए सबक के निशाने कायम है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी नागरिक को सैलानी से ज्यादा कुछ समझने को राजी नहीं है। इसीलिए बनारस को टूरिस्ट प्लेन बनाने के बाद उन्होंने अयोध्या को भी वही बनाने की कोशिश की और ये बात ना बनारस को पसंद आई और ना अयोध्या को। पिछले 2 वर्षों से चल रहे सड़कों के चौड़ीकरण
और दूसरे कामों की वजह से जनता तंग आ चुकी है। किसी की दुकान चली गई, किसी का मकान गिरा, दस्तावेजों की कमी की वजह से लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। जिन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की उन्हें राम का नाम लेकर कुचल दिया गया। नतीजा पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में अयोध्या में 9% कम मतदान हुआ है। भाजपा का कैडर मतदाताओं के घरों तक पहुंचा ही नहीं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और देशवासी घर घर पहुंचे, मुद्दों पर बात की और साफ साफ मुद्दों के आधार पर वोट मांगे। दूसरी तरफ लल्लू सिंह सिर्फ मोदी का पोस्टर हवा में लेकर घूमते रहे और नतीजे आए तो पता चला कि मोदी के पोस्टर को फाड़ कर जनता रोटी कपड़ा मकान और नौकरी की मांग लिख चुकी है। सपा और कांग्रेस के कैडर वोट के अलावा दलितों और मुसलमानों का वोट भी एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को गया और देशवासी ने कोई हंगामा नहीं किया, कोई तूफानी दौरा नहीं किया, बड़े बड़े नेताओं का मजमा नहीं लगाया, फिर भी उन्होंने अयोध्या में बीजेपी का बिस्तर समेट दिया। जबकि पिछले 3 महीने में मोदी और योगी ने 4 बार अयोध्या का दौरा किया। इसकी वजह यह है कि लोग टीवी पर मोदी के फर्जी चमत्कारों से ऊब चुके हैं। जब वो अपने घर के हालात देखते हैं तो उन्हें मोदी में एक ऐसा नेता नजर आता है जिसके पास देश को आगे ले जाने की कोई दृष्टि नहीं है। वो लफ्ज हैं, मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद यूपी में 10 साल से आवारा पशुओं की समस्या से निजात नहीं मिली है। इससे किसान मतदाता भाजपा के पाले से छिटकते नजर आ रहे हैं। ब्लॉक तहसील थाना स्तर पर जनता की समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुफ्त अनाज और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को तो मिला, कोई इनकार नहीं, लेकिन मध्य आय वर्ग के मतदाताओं को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई राहत नहीं मिली। सिलेंडर पर सब्सिडी घटती गई, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते गए, नौकरी रोजगार है नहीं। भाजपा टीवी पर दिखाती रही कि मोदी जी गरीबी हटा चुके हैं, मोदी जी रोजगार दे चुके हैं और भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इस देश के लोग खोखले हो रहे थे। बीते 10 वर्षों में महंगाई का स्तर बढ़ता गया है, इससे मध्य आय वर्ग का वोटर भाजपा से दूर होता चला गया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने कोई आसमानी नारा नहीं उछाला, उसने बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की, पेपर लीक और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर लोगों को जगाया और कामयाब रही। नतीजा ये हुआ कि अयोध्या मंडल ने एक साथ मोदी का तंबू उखाड़ दिया। मोदी समझ नहीं पाए कि इंडिया शाइनिंग वाले दौर की तरह हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं इस तिहाड़ों में छपवाने के लिए जो ठीक है, लेकिन इसका कोई बड़ा फायदा स्थानीय जनता को नहीं मिलता है। बाहरी और पैसे वाले सैलानी सुविधा का लाभ उठाते हैं, बड़े बड़े अमीर पैसा कूटते हैं। वो समझ नहीं पाए कि राम राज का मतलब केवल मंदिर नहीं होता है। अयोध्यावासी आज भी बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए तरस रहे हैं। यह मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज में ना डॉक्टर है, ना इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है, ना दवाइयां हैं। मोदी को लगता है कि अयोध्या के लोग आसमान से उतरते हैं, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज देखकर बांसुरी बजाएंगे, लेकिन जनता ने उनकी बंसी बजा दी। ऊपर से अखिलेश का पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी PD फार्मूला उन हिंदुओं को भी पसंद आया जो मंदिर तो चाहते हैं लेकिन मार काट और नफरत की कीमत पर नहीं, मुसलमानों का दिल तोड़ने की कीमत पर नहीं। मोदी इतनी मामूली सी बात नहीं समझ पाए कि राम को नफरत से साधने की राजनीति एक दिन जब ऊब और हताशा पैदा करेगी तो उन्हें राम की नगरी के बांधे उनके पैर उखाड़ देंगे। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।